हरिद्वार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इस महीने लगातार इजाफा हो रहा था, लेकिन अब दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने ईंधन पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर जनता को बड़ा तोहफा दिया। सरकार के इस फैसले के बाद उत्तराखंड में पेट्रोल पर 7 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल पर 12 रुपए की कटौती रिकॉर्ड की गई है। कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तोहफे से खुश हैं और सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कटौती के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई की मार अभी भी चल रही है और केंद्र सरकार तेल की कीमतों का दाम कम करके मूलभूत वस्तुओं की महंगाई के मुद्दों से बच रही है। हमीरपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर बाइक और एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके चलते 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एम्बुलेंस ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। हमीरपुर का एक पूरा मामला है, जहां पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। बाइक और एम्बुलेंस की जोरदार टक्कर में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र में एक 35 साल की महिला की हत्या कर शव खेत में पड़ा मिला। वहीं घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और आनन फानन में पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की तरफ से मृतका की शिनाख्त अलियापुर थाना मंगलपुर निवासी के रूप में की गई है। मृतका के पति अमित कुमार का कहना है कि उसकी पत्नी 2 तारीख को गायब हो गई थी, जिसकी सूचना युवक ने पुलिस को 3 तारीख को दी और आगे बताया कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने युवक की पत्नी की हत्या कर दी है। वहीं बताया कि तहरीर के आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। तो कानपुर देहात का एक बुरा मामला, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते महिला की हत्या की गई है, खेत में महिला का शव पड़ा मिला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं मृतक महिला के पति का कहना है कि उसकी पत्नी 2 तारीख को गायब हो गई थी, जिसकी शिकायत उसने 3 तारीख को पुलिस से की थी।